ये सब तो लिख के हो गया ना। और देखिए इसका सब लोग सही आंसर दीजिएगा, गलत बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हमको ग्राफ दिया गया सर इंटेंसिटी और पोटेंशियल, सॉरी करंट और पोटेंशियल के बीच। सर हमारा यहां पे लिया उन्होंने पोटेंशियल और यहां पे लिया उन्होंने करंट, और ग्राफ कुछ ऐसा बनाया उन्होंने। कैसा बनाया उन्होंने? हाँ इस तरह का। ग्राफ समझ में आ रहा है आपको? और उन्होंने इसको नाम दिया ए, इसे बी एंड इसे सी, एंड ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन जो है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है इंटेंसिटी, सबके बीच में जो ग्राफ का इंटेंसिटी है वो देख लो, क्या ऑप्शन है सही सही बताना। पहला ऑप्शन है आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। ऑप्शन बी है आई सी इक्वल टू नॉट इक्वल टू आई बी एंड एफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ सी। जो ऑप्शन सी है वो है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी एंड आई ए इज इक्वल टू आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी, दैट इंटेंसिटी, आई इज इंटेंसिटी राइट यहाँ पे। एंड जो डी है, ध्यान रखना ये जो आई है ना इसको स्मॉल से दिखा लो नहीं होता, इसे फोटो करेंट, और ये जो आई है वो इंटेंसिटी है, समझ रहे हैं। एंड जो लास्ट ऑप्शन है एफ ए इज इक्वल टू सॉरी एफ बी इज इक्वल टू एफ सी एंड आई बी इज इक्वल टू आई सी। इस तरह से ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहा है कि बताओ चारों में से कौन सा सही है। आप लोगों को सही से बताना है, सब लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? जिनसे नहीं हुआ उनको देख लीजिए इधर एक बार। तो पहले का आंसर क्या है इसका आंसर, इस वाले क्वेश्चन का क्या है आंसर? ए बोल रही है। अरे यार देखो जरा इधर ध्यान से क्या बोल रहे। अरे यार सुनो सुनो सुनो, जिनको नहीं समझ आया देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये ग्राफ दिया हुआ है पूछ रहा हमसे रिलेशन, ये वाला आई जो है सो फोटो करंट है और ये वाला जो आई है वो इंटेंसिटी है। आप मुझे बताओ क्या बी और सी की सैचुरेशन करंट सेम है? सैचुरेशन करंट सेम है, उसको पोटेंशियल से लेना देना होता है क्या? नहीं, उसको किससे लेना देना होता है? इंटेंसिटी से लेना देना होता है। सर क्या हुआ कि दोनों जगह से मुझे यह समझ में आया कि सर दोनों की पोटेंशियल क्या है, सॉरी दोनों सैचुरेशन करंट क्या है, इन दोनों की सेम है। देखो ना सैचुरेशन करंट लगभग सेम है ना, मतलब क्या सेम होगा? इंटेंसिटी, लाइट की जो इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग वो सेम होंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ बी एंड सी सेम। पहला कंक्लूजन मेरे पास आया आई बी इज इक्वल टू आई सी एंड सर्टेनली दिस इज नॉट इक्वल टू आई ए, ये एक लाइन आ गया। दूसरा मैं यहां पे आता हूं, अब देखा जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये सेम है ना यार, किसका किसका सेम है? ए और बी का। सो मैं बोल सकता हूं वी एस ऑफ ए इज इक्वल टू वी एस ऑफ बी बट दिस इज नॉट इक्वल टू वी एस ऑफ, अगर आप ज्यादा पूछ लेते ना तो मुझे पता है कि वी एस ऑफ सी इज ग्रेटर देन, है ना, हालांकि उसने उतना कॉम्प्लिकेट किया ही नहीं, तो सिंपल पूछा इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये हो गया बात। अब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल को किससे लेना देना होता है? फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, उसको रोकना उतना मुश्किल होगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब मुझे समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सी। नाउ कम टू द ए, और देखो ये कहां पे मैच हो रहा है, ये अपना आपका सी में मैच हो रहा है एंड आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी ए सी, तो आंसर इज सी। नाउ जो ए बोल रहे थे वो कैसे बोल रहे थे भैया? ए और बी का तो इक्वल नहीं, चलो ठीक है फ्रीक्वेंसी दोनों की तो इक्वल होगी ना क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ये तो सिंपल सोचने वाली बात है। समझ में आया आंसर तुम्हारा गलत था? ओके बहुत बढ़िया, तो बाकी लोग सबको समझ में आ गया कि सी आंसर है ना? जब मैं समझ में आया तो मैं तुमको छोड़ के पूछता हूँ बाकी लोगों के लिए। अभी ध्यान दो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू उस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अच्छा है। आपको अच्छा लगा क्या क्वेश्चन? अच्छा। क्या लगा, आसान क्वेश्चन लगा या टफ क्वेश्चन लगा? क्या लगा बोलो, अभी तुमसे पूछ रहा हूँ क्या लगा क्वेश्चन, टफ है इजी है? अरे बोलो यार कैसा लगा, इजी लगा टफ लगा? ठीक ठाक है सवाल। तो ये क्वेश्चन जो है जे एडवांस में आया, मैं बता रहा हूँ अगर आपको इजी लग रहा है तो इसमें ध्यान रखना, जे एडवांस में क्वेश्चन अच्छे आते हैं, फिर भी आपको इजी लग रहा है इसका क्रेडिट मुझे देना चाहिए। सो बाय द वे, अब चलो इधर आ जाओ मैं ध्यान देता हूँ। अब इधर किस क्वेश्चन को मैंने देखा तो मुझे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 5-1, 5-2, 5-3 का रेशियो बताओ, किसका रेशियो बताओ? 5-1, 5-2, 5-3। अब इसका रेशियो कैसे निकलेगा? ग्राफ किसके बीच में पोटेंशियल और 1/λ के बीच में कैसे निकाला जाए, क्या कर सकते हैं हम? सर हमको देखना अगर फाइव, अब ये पोटेंशियल मुझे पता है सर ये y इंटरसेप्ट क्या देने वाला है, 5/E देगा सर, ये 5/E होने वाला इस वाले y इंटरसेप्ट पे,
आप अगर देखोगे अगर ये वैल्यू 0.1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, मुझे फिर डायरेक्ट सोचना ही नहीं चाहता, टेंशन ही नहीं लेना है सर ये 1, 2 और 4 ही जाने वाला है, ऑब्वियस बात है 0.24 और 4 to 1 है। आप देखो ज्यादा किसका होगा 5, सबसे ज्यादा किसका होगा 5.3 होगा, मतलब 5.3 4 टाइम्स होगा, 5.2 उसका छोटा और मतलब दोनों सेम है क्या? नहीं, यहाँ दिया ना 5.3 सब ज्यादा वाला, मतलब दिस केड बी द वन आंसर। नाउ व्हाट अबाउट बी, ऑब्वियसली बी तो नहीं होगा। नाउ अब सी पे आते हैं, tan थीटा इज डायरेक्टली फॉर एचसी बाय ई। यार थोड़ा सा तो कुछ गड़बड़ कर दिया उन्होंने, क्या सही बोला क्या इन्होंने? एकदम सही बोला यार, tan थीटा क्या होता है 5 बाय ई इस वाले ग्राफ में, सो प्रोपोर्शनल टू दिस। हां तो प्रोपोर्शनल बोला ना उन्होंने, प्रोपोर्शनल साइन दिया, क्या सही बात है ना, परफेक्ट है। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन में जो सबसे अच्छा है इसमें सोचने वाला। सर फोर्थ ऑप्शन में पूछा उन्होंने कि वायलेट कलर कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल 2 एंड 3, मतलब मेटल 2 एंड मेटल 3 की बात कर रहा है, ठीक है मेटल 1 की बात नहीं कर रहा अभी। मैंने सोचा कि वायलेट कलर, आपको पता है कि सर जो हमारा विद्युत होता है V से लेकर R तक, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लगभग कितनी होती है 350 नैनोमीटर, और इसका कितना होता है 750 नैनोमीटर मोर और लेस, थोड़ा बहुत किसी किसी बुक में 400 से 800 है। तो अगर आप मैं देखूं कि सर वायलेट के कॉरस्पॉन्डिंग उसको यहाँ पे उसका जो लैम्डा 1 बाय लैम्डा है वो कितना दिया है 0.004, सो मैं बोलूं थर्ड मेटल का जो 1 बाय लैम्डा है दिस इज 0.004, सो लैम्डा कितना आ जाएगा लगभग 1 बाय 1000 मतलब 250 नैनोमीटर, सही बात है लैम्डा आ गया 250 नैनोमीटर। ये आ गया फोर्थ का, मतलब इसको निकालने के लिए मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ के केस में क्या बात करते हैं, वेवलेंथ जो थ्रेशोल्ड है उससे हमको वेवलेंथ क्या करना पड़ता है कम करते जाना पड़ता है ना, मतलब 250 मैक्स टू मैक्स अगर तुम दोगे ना तो ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे आपको क्या करना पड़ेगा कम ही लेना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है, अगर उससे ज्यादा लूंगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, समझ में आया मतलब। और वायलेट तो आपको पता है 350 से स्टार्ट ही होता है, सो वायलेट कैन नॉट इजेक्ट, मिनिमम कितना चाहिए सॉरी मैक्स टू मैक्स 500 चाहिए उसको, राइट मैक्स टू मैक्स कितना चाहिए उसको, मतलब उससे कम चलेगा क्या उसको, उससे कम चलेगा मतलब ये वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो सेकेंड मेटल से वायलेट निकाल सकता है इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो मेटल 2 से निकलेगा बट लेकिन उसने बोल दिया ना 3 से, इसलिए गलत हो गया, अगर ये सिर्फ यहाँ पे 3 दिया होता ऑप्शन में तो ये भी आंसर राइट हो जाता, समझ में आया आपको, अगर ये यहाँ पे 2, 3 की जगह 1, 2 दिया होता मैं बोल दूं इसी ऑप्शन को सेम ऑप्शन ई कर लो और उस पर पूरा सेम लिखो खाली और नीचे यहाँ पे मेटल 1 और 2 कर लो तो ये भी आंसर ई राइट हो जाएगा, समझ में आया, लेकिन डी गलत हो जाएगा, ये समझ के लेना मैं समझाया उसके, समझ रहे हो, सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बताया मैंने, ठीक है। अब चलो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन करता हूँ, JEE 2009 में आया, 2008 में आया था, लिख लो लिखना है तो, ठीक है समझ में आ गया। तो सबसे बड़ा देखो जब ये अभी वो क्वेश्चन तुम्हारा हुआ, ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको, क्वेश्चन को समझना, आपको क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि सर तीन मेटल थे अलग अलग, कि सर तीन मेटल हमको दिए हुए हैं, एक मेटल P है, दूसरा Q है और तीसरा R है, समझ रहे हो, और ये क्वेश्चन तो 90% लोग गलत किए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो P है वो एक मेटल है जिसकी आपको वर्क फंक्शन कितनी दी हुई है 2, दूसरे का 2.5, तीसरे का 3, और क्वेश्चन क्या बोला कि एक लाइट की बीम है, लाइट का बीम का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारी वेवलेंथ है, उसमें इस क्वेश्चन में दिया है कि वन लाइट बीम में तीन वेवलेंथ है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, ठीक है, बोला एक की 550, लैम्डा 2 की 450, लैम्डा 3 की 350, तीनों की इक्वल इंटेंसिटी उसके ऊपर गिरी, ठीक है ना, तीनों की इक्वल इंटेंसिटी गिरी, तो बताओ उसका सैचुरेशन करंट और टोटल स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल में क्या रिश्ता होगा, समझ में आया आपको, आप गलती क्या करते हो, आप सोचते हो सर I1 I2 I3 इक्वल है, मतलब इंटेंसिटी इक्वल है लाइट की, तो सबका सैचुरेशन करंट गलत होगा, सेम होगा, और आप बड़ा खुशी खुशी बोलते हो कि सैचुरेशन करंट सेम वाला, तो दो ही ऑप्शन है, या तो बी होगा आंसर, सी होगा या डी होगा, मतलब ए और सी तो कभी नहीं होगा, ऐसा सोच लेते हो आप खुशी खुशी बी मार के आते हो और पता चलता ही गलत हो गए, समझ में आया, बाय द वे इसका ये दोनों ही गलत है, सही तो आंसर इसका ए है, कैसे है तुमको पता है देख लो, दो मिनट में फिर से बताता हूं मैं, जिनको नहीं समझा ध्यान दे कि सर लैम्डा 1 तो मैं पहले सोचूं कि वो जो लाइट की बीम है उसमें एक लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है,
तो लैम्डा वन के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, लैम्डा वन के कोरस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन उसका, समझ रहे हो ना। तो मैं बोलता हूं कि सर लैम्डा वन का जो एनर्जी होगा ई वन, वो ई वन कितना होगा, तो एच सी बाई लैम्डा, एच सी और ये नैनोमीटर में, तो 1240 डिवाइडेड बाई 550, कितना वैल्यू आया इसका, 2.2 ना, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं ई टू निकालता हूं तो क्या आएगा, 1240 डिवाइडेड बाई 450। देखो ये एंगस्ट्रॉम में रहता ना 12400 लेते हैं, लेकिन यहाँ 40 ले रहे हैं, इसका वैल्यू कितना आया लगभग 2.75 आया। ओके, एंड E3 निकाला आपने तो कितना आया, मींस 1240 डिवाइडेड बाय 350, मतलब कितना आया, 3.5 आया, 3.5 आया ना, 3.5। अब यहाँ समझ में आया कि सर ये तीनों की तीनों एनर्जी एक साथ गिर रही है विद इक्वल इंटेंसिटी, समझे सवाल को, सवाल ये है, सवाल के वो पहले जो सोच रहे थे वैसा नहीं, सवाल क्या बोल रहे हैं कि तीनों वेवलेंथ एक साथ गिर रही है विद इक्वल इंटेंसिटी। आप बताओ कि अगर तीनों एक साथ गिरेगी तो आपका जो पहला है, ये तीनों ही वेवलेंथ फर्स्ट वाले से तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाएगा, क्योंकि उसको चाहिए मिनिमम 2, ये दे रहा है 2.2, ये दे रहा है 2.7, ये दे रहा है 3.5, मतलब पी से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब पी का सैचुरेशन करंट सबसे ज्यादा होगा, और इसलिए ये होगा। अब इसके बाद में सोचने की भी जरूरत नहीं, ध्यान रखिए एक ही ऑप्शन था जिसमें पी का हाईएस्ट था, इसमें भी गलत उल्टा है ना, डायरेक्ट आप आंसर ए कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी करोगे तो आपको पता है क्यू को चाहिए 2.5, सिर्फ ये और ये दे सकता है इसलिए उससे कम होगा, और आर को चाहिए 3, ओनली वन एनर्जी कैन गिव दैट इज E3, सो इसलिए उसका सैचुरेशन करंट लोएस्ट होगा एंड द आंसर इज, समझ में आया आपको। सो ये 2009 IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके बाद में तुम्हें छोटे छोटे सवाल करता हूँ, बड़ा ही बेसिक बेसिक, देखते हैं फटाफट आप लोग आंसर करो एकदम, मतलब मैं क्वेश्चन बोला और आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है, लिख लो फटाफट क्वेश्चन, लिखोगे क्या, ये सब क्वेश्चन मैंने कहीं कहीं से लिया है, अच्छी चीज से लिया है, और कहीं कहीं से जो भी मुझे लगे रिलेवेंट क्वेश्चन है वो सब सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन और आपको डाटा लिखना डायरेक्ट, क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट एग्जांपल, ये लाइट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन एल्युमिनियम प्लेट हैविंग वर्क फंक्शन 4.2, मतलब लैम्डा कितना दिया हुआ है सर 200 नैनोमीटर दिया हुआ है, और इसकी वर्क फंक्शन एल्युमिनियम प्लेट की दी है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमसे पूछ रहा है क्या कैलकुलेट करना है सर, पहला ऑप्शन बोल रहा है सर Kmax कैलकुलेट करो, दूसरा बोल रहा है सर स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करो, तीसरे में बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करो, ये भी अच्छा सवाल है, और डी में बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट कैलकुलेट करो, एंड ई में बोल रहा है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमीडिएट फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने मैक्सिमम स्पीड से निकलेगा, मतलब बी को मैं ऐसे दिखाता हूं मैक्सिमम स्पीड सर जो एनर्जी गिरी माइनस वर्क फंक्शन, सो दिस इज HC / लैम्डा माइनस 5, HC / लैम्डा मतलब क्या डालोगे अब नैनोमीटर में, तो 1240 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालोगे तो कितना आता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पहला निकल गया। ऑप्शन सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि काइनेटिक सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs ये निकालना है, अरे यार आपको पता है EVS इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सो VS इक्वल टू क्या होगा K अपॉन E, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E, इसे ये कैंसिल 2 वोल्ट, खत्म, सिंपल। C में क्या बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, बहुत लोग टेंशन में आ गए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला जाए, लगता है कोलिजन होने से कुछ हुआ होगा, सिंपल सी बात है ना काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 हो जाएगी, वो कितने बोल काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए मिनिमम कितने एनर्जी से भागेगा, तो नहीं भागेगा, अगर नहीं भागेगा तो मिनिमम क्या होगा 0 हो गया ना। उसके बाद थर्ड क्या बोल रहा है, फोर्थ क्या बोल रहा है डी, कि भैया लैम्डा नॉट निकालो, तो लैम्डा नॉट क्या आई के कोरस्पोंडिंग HC / लैम्डा नॉट इक्वल टू 4.2, कितना है लैम्डा नॉट का वैल्यू
2900 to 2900 meters जो भी आया चेक कर देना मुझे मालूम है। और इसके बाद ई में बोल रहा है वी मैक्स निकालो, वी मैक्स कैसे निकाला होगा सर आपने, आपने क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां से वी इक्वल टू कितना आया था 8.53 × 5 मीटर पर। ये हो गया आंसर इसका, आसान सवाल है ना बेसिक इसके ऊपर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यहां पे ध्यान देगा, टू फोटॉन्स हैविंग एनर्जी 2 × 5 × 5 कैलकुलेट देयर मींस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम स्पीड का v1 / v2 निकालना। अरे यार तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझो, अपने को क्या दिया हुआ है कि सर दोनों फोटॉन्स की अपने को फोटॉन्स हैविंग एनर्जी दी हुई है, मतलब u1 दिया हुआ है तो e2 क्या दिया हुआ है 5 × 5 e2 और e1 इस तरह दिए हुए हैं। हमसे पूछ क्या रहा है भैया काइनेटिक एनर्जी, अब मुझे बताओ पहले मैं e1 की बात करता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो k1 होगा k1 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ e1 माइनस 5, क्या सही बात है, तो 2 माइनस 5 क्या 5 हो जाएगा, क्या k2 इक्वल टू हो सकता है होगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 4 5। अरे यार ये सब तो समझना चाहिए आपको, आ रहे समझ में प्रीतम देवी, ओके वेरी गुड समझ में आ रहा है। अब ये k1 k2 क्या यही आपका हाफ एम v1 का स्क्वायर होगा, क्या ये आपका हाफ एम v2 का स्क्वायर होगा, हाँ ना बोलो यार, क्या यहाँ से v1 / v2 का स्क्वायर अगर निकालना है तो वो आ जाएगा आपका 1/4, क्या v1 / v2 यहाँ से 1/2 आ जाएगा, क्या बड़ा टफ सवाल पूछ लिया मैंने, आपको तो समझ में नहीं आया होगा, आ गया ना समझ में, तो अब ये आसान आसान ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते खुद से। चलो एक और सवाल कर लो, क्वेश्चन लिखो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंक्रीज बाय 20%, क्वेश्चन लिखो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंक्रीज बाय 20% द स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम 20% द फ्रीक्वेंसी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंक्रीज बाय 20% फ्रीक्वेंसी की जो लाइट की जो है उसको 20% से सर इंक्रीज कर दे रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं देन स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग वीएस बोल रहा है वो ये जो रहा है कहां से कहां तक, तो 0.5 वोल्ट से वो जा रहा है कहां भैया 0.8 वोल्ट पे जा रहा है, तो पूछ रहा है कि वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल निकालो, ऑप्शन दिए हुए हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑप्शन डी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही सवाल है, जल्दी से करना, अच्छा सवाल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको ज्यादा भी नहीं, क्या खुद से करोगे पहले, हाँ। करो 2 मिनट के अंदर करना, लेकिन सब लोग ध्यान दो। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है ना, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले एक बार समझ लेते क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछा आपसे कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट में फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली अगर फ्रीक्वेंसी 20% बढ़ाया गया तो उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5 से लेकर 0.8 जा रही है तो वर्क फंक्शन क्या होगा, ये पूछा राइट, बड़ा आसान सवाल है, कैसे करेंगे सर इस सवाल को, आपको पता है कि सर फ्रीक्वेंसी आप 20% बढ़ा रहे हो, पहले तो फ्रीक्वेंसी आप रहा होगा, सो मैं लिख सकता हूं क्या, समझ रहे ध्यान से, ए लड़की इधर ध्यान दो, सर इनिशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था 0.55 इन लाइट इक्वेशन, सर 0.5 इन ईवीएस होता है राइट, ईवीएस होता है ना, तो 0.5 ई दैट इज ईवीएस इज इक्वल टू जो एनर्जी गिरी उसके ऊपर, मैं बोलता हूं एनर्जी ई गिरी थी माइनस जो वर्क फंक्शन 5 आया, दिस इज नंबर इक्वेशन 1, आसान है। दूसरे में क्या बोला सर, एनर्जी हो गया 0.8 ईवीएस इक्वल टू एच वाई लैम्डा माइनस 5, अब इस बार आपकी फ्रीक्वेंसी 20% बढ़ गई, आपको पता है सर एनर्जी क्या होता है, एचएफ के इक्वल होता है, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एनर्जी भी चेंज होगी, आप बोल रहे हो फ्रीक्वेंसी 20% बढ़ गया तो एनर्जी कितनी बढ़ गई 20%, मतलब एनर्जी अब जो ई डैश हो जाएगा वो हो जाएगा ई प्लस ई का 20% राइट, दिस इज 1.2 ई, सही बात है, सो मैं लिखता हूं सर दिस इज 1.2 ई माइनस 5, नाउ इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप यहां से सॉल्व करो, मैं सॉल्व करके बता सकता हूं वैसे, अगर आप सॉल्व करोगे तो जो 5 आएगा वो आएगा आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने, दो इक्वेशन है दो अननोन है, ये ई तो पता है आपको, अननोन क्या है सर ई है और 5 है, दो इक्वेशन में सॉल्व कर लो 5 = 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, आसान सवाल है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, सुनिए जरा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लैम्डा, इफ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट जो लाइट गिर रही है फोटॉन के ऊपर वो लैम्डा उसकी वेवलेंथ, थोड़ा देर 2 मिनट रुक जाओ, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका कितना है सर वी है, पहला बोल रहा है कि अगर कोई मेटल है, पहले मेटल को समझो, इसके ऊपर जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ गिर रही है वो लैम्डा है, और बोल रहा है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल रुकने का पोटेंशियल था वो वी था,
अब देखो ना सारे जो क्वेश्चन है इसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नहीं है, ये भी ये वाला भी आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में था, ये भी स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में है, तो जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखेंगे वो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे। तो क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में इक्वेशन? EVS इक्वल टू बोलो HE / लैम्डा माइनस फाई या HE / फाई। अब यहाँ लैम्डा नॉट निकालना है, तो फाई को ना आप HE / लैम्डा नॉट के फॉर्म में लिखते चलो, समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे EVS की जगह पे आप यहाँ दो पोटेंशियल है V, तो यहाँ इसको V लिख दो, कैसा ये इक्वेशन एक हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन बोला कि वेवलेंथ 2 लैम्डा हो गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V / 3, मतलब E into V / 3 इक्वल टू क्या आ रहा है, अब लैम्डा की जगह 2 लैम्डा लोगे आप, तो हो जाएगा HC / 2 लैम्डा माइनस HC / लैम्डा नॉट इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या निकालना भैया? हमें लैम्डा नॉट निकालना है। हम क्या करते हैं, हमने सोचा कि सर दो इक्वेशन है, अननोन हमारे पास दो ही, अगर तुम ध्यान से देखो तो कौन कौन से? सर आपको अननोन देखो लैम्डा वैम्डा पता है आपको, हमें ना लैम्डा नॉट निकालना है बेसिकली। ठीक है चलो लैम्डा नॉट निकाल लेना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से ईवी जो आ रहा है ना ईवी, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पुट कर देता हूँ, और मैं क्या लिखूंगा देखो अगला स्टेप में लिखता हूँ मैं इक्वेशन 1 और 2 से, मैं डायरेक्ट देखना जरा अब कुछ गलत हो बताना। एच सी अपॉन 3 लैम्डा माइनस एच सी अपॉन 3 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन 2 लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, क्या सही बात है? अगर देखो एच सी कैंसिल, ठीक है। अभी आपको लैम्डा नॉट जो होगा वो लैम्डा का फॉर्म में निकालना है, क्या यहाँ से आंसर नहीं आ जाएगा आपका? अगर आप लैम्डा नॉट वाले टर्म को एक साथ रख लो, उधर ले जाओ उसको और इसको इधर ले आओगे, तो ये हो जाएगा 1 / लैम्डा नॉट अपॉन 1 / 3 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1 / 2 लैम्डा प्लस 1 / 3 लैम्डा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 6 लैम्डा, सही बात है? और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 2 लैम्डा नॉट अपॉन 3, सही बात है? इक्वल टू 5 / 6, यहां से ये हो जाएगा 2 और आपका ये क्या आंसर आएगा, सही कर रहा हूं ना? कुछ गलत हो गया क्या? एक मिनट, अरे ये 3 लैम्डा इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा यार, ये माइनस आएगा यहां पे और इसलिए ये हो जाएगा 1। भाई मैं सोचो ऐसा कैसे है 1 / 2 लैम्डा, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट इक्वल टू हो जाएगा उसका 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा, तो आंसर इज सी। क्या बड़ा टफ सवाल था, क्या समझ में आया आप लोगों? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए देखिए जरा जो जिलों का हो ये हो गया होगा वो लिख रहे हो, लिखिए फटाफट और नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आसान वाला। देखो ये सारे क्वेश्चन आसान ही है, समझ रहे हो ना आप? इसके ऊपर आप जितना सोचना सकते हो उतना सोच सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है सर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू दिया हुआ है ई नॉट साइन ऑफ, थोड़ा सा टाइम पास के लिए ऐसे बनाया 1.57 इंटू 10^7 एक्स माइनस सी टी वोल्ट पर मीटर। आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वोल्ट पर मीटर भी होता है और क्या होता है सर न्यूटन मीटर भी होता है। हमसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस ऑफ एनी वेव ऑफ लाइट वेव दिस इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन फाई इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल, सो ऑल ऑफ यू शुड बी फाइंडिंग दैट एंड द ऑप्शंस आर गिवन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑप्शन डी 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपको फटाफट सब लोग का आंसर करना है इस क्वेश्चन को, अभी आप खुद से कीजिए इस क्वेश्चन को और उसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान दो सर, क्वेश्चन बोल रहा है कि सर क्या हुआ कि एक लाइट है, सुनिए जरा ध्यान दीजिए दो मिनट, क्या बोल रहा है एक लाइट वेव जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है E equal to E naught sin और ये देखो K दिया हुआ है KX और इसके साथ मल्टीप्लाई करके ओमेगा T, राइट वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है। फाई इस मेटल की दी हुई है, वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs पूछ रहा है, समझ में आ रहा है आपको सवाल? कितने लोगों को सवाल समझ में आ गया पहले? सबको समझ में आया? हाँ या ना बोलो यार, सबको समझ में आया? ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि Vs निकालना है। सबसे पहला काम क्या सर, जो एनर्जी गिर रही है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रहा है क्या उसका लैम्डा पता है हमें? अरे पता है कि नहीं पता है? इनडायरेक्टली तो मैं बोल सकता हूँ सर के मुझे पता है, दिस के लैम्डा इक्वल टू आएगा सर 1.57 सॉरी
2 into pi means 3.14 divided by 1.57 into 10 to the power 7 और ये हो जाएगा twice मतलब ये आएगा 4000 angstrom. इतना कितने लोग सही से आए यहाँ तक सब लोग सबका आ गया very good 4000 angstrom. अब हमें निकालना क्या है सर Vs निकालना है क्या निकालना है सर Vs अब मैंने सोचा कि सर ये जो है इसके corresponding कुछ energy होगी कितना मतलब energy falling निकाल सकता हूँ मैं 12400 upon 4000 angstrom सही बात है इसका वैल्यू कितना आता है 3 वही आएगा अच्छा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया मतलब दिस इज द एनर्जी व्हिच हैज फॉलन ऑन दैट मेटल सरफेस राइट अब इसमें से phi जो है वो खा गया मेटल ने तो मतलब जो एनर्जी बचेगा वही तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा क्या वही EVS के इक्वल हो जाएगा सो आई डायरेक्टली राइट EVS इक्वल टू भैया 3.1 माइनस 1.9 कितना आएगा ये 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट सो यहां से Vs इक्वल टू E से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 1.2 वोल्ट सो आंसर इज बी 1.2 वोल्ट क्या आसान सवाल था ये टफ सवाल था क्या नहीं नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 35 फ्रॉम एच और लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 वाला दो क्वेश्चन जो है बहुत टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसमें ना एडिशन सबट्रैक्शन और बढ़ जाता है क्वेश्चन बोला कि 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब इसमें चार क्वेश्चन है बेसिकली एबीसीडी करके 4000 एंगस्ट्रॉम वाला लाइट जो है इसी मेटल सरफेस पे गिरा जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा है इन ईच कोलिजन द एनर्जी लॉस इज 10% ऑफ द एनर्जी फॉलिंग टोटल एनर्जी जो उसके ऊपर गिर रहा है उसका 10% वो ईच मतलब कोलिजन में मतलब गवा रहा है खराब कर रहा है और बोल रहा है कि टोटल ऐसे ऐसे दो कोलिजन हुए फाई की वैल्यू ये है तो हमें बताओ क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता तो सर सबसे पहले तो मैं एनर्जी निकाल लेता हूँ ई सर 12400 और 12400 डिवाइडेड बाय 4000 इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी तो इसके ऊपर गिरा इसका 10% लॉस हो रहा है तो मैं टोटल लॉस बोलूंगा सर टोटल लॉस क्या होगा एक लॉस का डबल सो ट्वाइस ऑफ 3.1 का 10% इसका वैल्यू कितना है कैलकुलेट किया तुम लोग 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया इतना लॉस हो गया अब जो बचा हुआ एनर्जी है रिमेनिंग एनर्जी में बोलता हूं लगभग 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा मतलब 0.28 वगैरह आएगा 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट